मेरा नाम है पुल, आप देख रहे हैं शर्मा जी ब्लॉग। सो आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं दोस्तों मारुति सुजुकी जिम्नी के बारे में। तो सबसे पहले इसका देख सकते हैं अपन अल्फा वेरिएंट देख पा रहे हैं, फ्रंट लुक देख सकते हैं आप लोग को जिस तरह का दिखाई देने वाला है आपको। क्रीम मिल जाएगी आपको, क्रोम फिनिश और सिल्वर फिनिश के आसपास बोल सकते हैं आप। यहाँ पे कार्बन स्टील ग्रे कलर का पूरा यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे आपको हेडलैम्प वॉशर मिल जाते हैं। नीचे की तरफ देख सकते हैं आप लोग दिए हुए प्रोजेक्टर हेडलैम्प DRL से आपको दी दी गई है। इसमें इंडिकेटर्स आपको इस तरह से दिए हुए हैं और ग्रिल पूरी की पूरी आपको जो है ग्रे फिनिश में आपको प्रोवाइड कर दी गई है। इसमें नीचे की तरफ आपको फॉग लैंप मिल जाते हैं, इसमें टायर साइज वगैरह की अपन बात करने वाले हैं। और फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स भी आपको इसमें यहाँ पे साइड की तरफ मिल जाते हैं और फ्रंट में भी आपको दो साइड पार्किंग सेंसर्स इसमें मिल जाते हैं दोस्तों। बम्पर्स कुछ इस तरह का आपको दिया हुआ है, क्वालिटी वगैरह भी आपको ठीक और अच्छी खासी दी दी गई है। अब साइड से लोग करते हैं बात इसकी, साइड से किस तरह से रहने वाली है। ग्रीन कलर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में गाड़ी में। टायर साइज की अगर बात करें इसमें तो आपको देख सकते हैं 195/80R15 का आपको टायर इसमें रहने वाला है। अलॉय व्हील्स आपको कुछ इस तरह के रहने वाले हैं। सस्पेंशन सेटअप पूरा अलग दिया हुआ है क्योंकि 4x4 गाड़ी रहने वाली है ये। और GC आपको कुछ इस तरह का काफी ज्यादा अच्छा इसमें प्रोवाइड किया गया है दोस्तों। साइड में आपको जिम्नी की यहाँ पे बैजिंग दे दी गई है, ज्यादा अच्छी दे दी गई है इसमें आपको दिखने में। स्टिकरिंग जिम्नी की काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। गाड़ी की जो लेंथ है वो भी ठीक ठाक दे दी गई है आपको। थोड़ी सी गाड़ी थार वगैरह से अगर कंपेयर करें तो छोटी दिखती है दिखने में। ORM ब्लैक पैनो फिनिश के साथ में पूरे दे दिए गए हैं आपको। ये सब आपको एक्सरीज में लग जाएगा अलग से, रेन वाइजर वगैरह आपका, और ब्लैक रूफ आपको इसमें प्रोवाइड कर दी गई है दोस्तों। अगर बात करें इसके साइड लुक की तो साइड लुक से काफ़ी ज़्यादा अच्छी और थोड़ी सी बॉक्सी टाइप में लगती है गाड़ी। और अगर बात करें अपन इसमें, फ्यूल टैंक आपको राइट हैंड साइड में मिल जाता है। और पीछे से बैक से बात करते हैं तो बैक से आपको कुछ इस तरह से रहने वाली है गाड़ी। सुजुकी का यहाँ पे लोगो दे दिया गया है, पूरा का पूरा कवर है ये पूरा, और क्रोम फिनिश के साथ में आपको साइड में मिल जाता है दोस्तों। ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है दिखने में। अब बात करते हैं यहाँ पे तो जिम्नी आपको यहाँ पे लिखा गया है सिल्वर फिनिश में, और यहाँ पे आपको ऑल ग्रिप की बैजिंग मिल जाती है। नेक्सा का यहाँ पे लोगो मिल जाता है। रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में आपको डोर मिलता है पूरा का पूरा, और कुछ इस तरह का आपका ओपनिंग होती है साइड में। इसकी स्पेस वगैरह भी आपको ठीक ठाक मिल जाता है इसमें पूरा का पूरा, और इसको अगर फोल्ड कर देंगे अपन तो और भी ज़्यादा अच्छा खासा स्पेस इसमें बन के निकल आता है दोस्तों। यहाँ पे एक शोकर दिया हुआ है आपको जो साइड में खुलता है पूरा। अब इसको करते हैं बंद और पीछे से और आगे से एक बार वापस से दिखाते हैं गाड़ी आपको, फिर अंदर से कुछ फीचर्स बताते हैं गाड़ी के किस तरह से क्या रहने वाली है। गाड़ी को थोड़ा सा चला के भी देखेंगे किस तरह से लुक देती है गाड़ी। और आप चलते हैं इसके अंदर की तरफ, अंदर से दिखाते हैं आपको। सबसे पहले देख सकते हैं आप लोग इसमें यहाँ पे जिम्नी का आपको लोगो मिल जाता है जिसमें लाइटिंग जलती है आपकी, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। डोर पैनल कुछ इस तरह का आपका रहने वाला है, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ। प्लास्टिक क्वालिटी वगैरह आप ठीक ठाक आपको इसमें प्रोवाइड की गई है। क्रोम फिनिश आपको यहाँ पे दे दिया गया है, और सीट एडजस्टेबल वगैरह आपको सारी कुछ जो है यहाँ से मिलने वाली है। सीट्स वगैरह कुछ इस तरह की मिलती है आपको। 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं SRS एयरबैग्स की यहाँ पे सीटिंग में, पूरा का पूरा इसमें ब्रांडिंग मिल जाती है आपको। इंटीरियर कुछ इस तरह का आपको मिलने वाला है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिया हुआ, ब्लैक में इंटीरियर रहने वाला है आपका। अब गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में बैठ करके आपको दिखाते हैं आगे की तरफ। यहाँ पे आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है इसमें दोस्तों, कुछ इस तरह से आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है। और स्पीडोमीटर कुछ इस तरह का आपको मिलता है, थोड़ा पुराना टाइप जीप की याद दिलाता है आपको पूरा का पूरा। ये देख सकते हैं आप, बीच में पूरी MID दी हुई है और पूरा फ्यूल मीटर वगैरह आपको डिजिटल में दे दिया गया। लेफ्ट हैंड साइड में आपको RPM मीटर दिया हुआ है, स्पीडोमीटर आपको जो है राइट हैंड साइड में आपको इसमें दे दिया गया है। 4x4 वगैरह का साम जो है वो आपको यहाँ पे दे दिया गया है, 4x4 यहीं से कर सकते हैं। और टोटल 5+1 आपको रिवर्स गियर मिल जाता है। ये पावर विंडो कंट्रोल्स आपको यहाँ से दे दिए गए हैं, जो थोड़े से अनोइंग भी हैं और ठीक भी है। चलो आपको थोड़ा सा कन्वीनियंट होने में टाइम लगेगा इसमें। ये आपको पूरा टच स्क्रीन दिया हुआ है, स्मार्ट प्रो प्ले प्लस जो भी ये बोलते हैं नेक्सा वाले। थोड़ा सा आपको यहाँ पे स्पेस दे दिया गया है। और अगर बात करें अपन यहाँ पे AC वगैरह की, तो AC वगैरह आपको अभी तक तो बढ़िया शील्ड कर रहा है, इसमें कोई इशू है नहीं। बाकी यहाँ पे आपको जो ऑटोमेटिक लाइव कंट्रोल AC इसमें मिल जाता है, जो टेम्परेचर वगैरह यहाँ से सेट होएगा आपको, और फैन स्पीड वगैरह आपकी यहाँ से सेट हो जाती है। हजार लाइट स्विच वगैरह यहाँ पे आ जाता है आपका। टच रिस्पांस वगैरह देख लेते हैं टच का, तो वो आपको एज इट इज़ ठीक ठाक मिला हुआ है, इसमें कोई इशू नहीं है। 12-12.5 कुछ का आपको एवरेज शो कर रही है गाड़ी। और अब गाड़ी का अगर स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग आपको खाली जो है टिल्ट मिलता है इसमें, टेलीस्कोपिक स्टेयरिंग व्हील आपको इसमें नहीं मिलता है। स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स हैं, हॉर्न कुछ इस तरह का है, क्रूज कंट्रोल आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि आप लगा सकते हैं। ये वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह और गाना पीछे आगे पीछे करने के बटन्स दिए हुए हैं। ये आपके ब्लूटूथ कंट्रोल करने वगैरह के बटन्स दिए हुए हैं। चाबी वगैरह या कुछ स्पेस वगैरह दिया हुआ थोड़ा सा रख सकते हैं आप लोग इसमें। सीट्स वगैरह ठीक है, कुशनिंग वगैरह। दो पावर विंडोज़ पीछे के जो हैं वो आपको यहाँ से मिल जाते हैं, और ये लॉक अनलॉक करने के हैं आपके पावर विंडोज़ का। यही सारी चीज़ें दी गई है दोस्तों इसमें। और स्पेस वगैरह अगर पीछे की बात करें तो पीछे से भी एक बार मैं स्पेस दिखा देता हूँ आपको, पीछे से कितना क्या स्पेस रहता है एक बार बैठ के दिखा देता हूँ मैं। जैसे अपने हिसाब से मैंने सेट की हुई है पीछे की सीट्स, तो अब देखते हैं स्पेस कितना है। तो ठीक ठाक स्पेस बच जाता है आपका, ज़्यादा तो नहीं बच रहा है। 6 फीट हाइट के हिसाब से तो टच वगैरह हो जाती है गाड़ी, और हेडरूम वगैरह भी ठीक ठाक इसमें आपको मिल जाता है दोस्तों।
ये चार चीज रहने वाली है। बाकी अगर बात करें अपन इसके लाइटिंग्स वगैरह की, तो लाइटिंग्स वगैरह आपको यहाँ से मिल जाती है, इजीली आप यहाँ से ऑन ऑफ इसको कर सकते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं इसके, गाड़ी को थोड़ा सा ड्राइव करके देख लेते हैं, उसके बाद में फिर आपको बताते हैं किस तरह से क्या रिस्पॉन्स आ रहा है गाड़ी का। चलिए फिर दोस्तों गाड़ी को ड्राइव करके देखते हैं, गाड़ी को चला के देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट है, रिफाइंड वगैरह तो काफी ज्यादा ठीक है गाड़ी, इंजन वगैरह का नॉइज वगैरह इतना ज्यादा आती नहीं क्योंकि नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन मिलता है आपको 1500 cc का। बाकी पावर वगैरह देखते हैं इसमें किस तरह से क्या रहती है, थोड़ा सा एक्सीलेटर करके भी देखते हैं गाड़ी को। तो थोड़ा जैसे आप 4000-4500 RPM के आसपास जाते हैं तो थोड़ा सा नॉइजी आपका इंजन होता है, बाकी आपको जो इतनी ज्यादा नॉइजिंग इसमें नहीं आने वाली होती। और पिकअप वगैरह भी आपको इसमें मिल जाता है, सेकेंड गियर में भी गाड़ी जा रही है। अपन 2x2 पे चला रहे हैं अभी गाड़ी को, तो अभी अपन ने 4 high या 4 low इसमें नहीं लगाया है दोस्तों। स्टीयरिंग वगैरह का रिस्पॉन्स अगर बात करें तो स्टीयरिंग वगैरह का रिस्पॉन्स भी काफी ज्यादा ठीक दिया हुआ है इसमें। बॉडी रोल वगैरह थोड़ा सा कम आता है इसमें आपको, और रिस्पॉन्स देख सकते हैं आप अभी इतना ज्यादा नहीं मिल रहा है। अब जिसको ज्यादा स्टीयरिंग को आप मोड़ेंगे जब भी आपका ये रिस्पॉन्स ज्यादा देगा दोस्तों इसमें। अब इसमें देखते हैं अपन 4 high करके देखते हैं इसको गाड़ी को। गाड़ी को अपन को रोकना पड़ेगा, आई थिंक चलती हुई गाड़ी में होएगा नहीं है, सो गाड़ी को रोकते हैं। ये अपन ने 4 high कर दिया है अब इसको, अब 4 high पे गाड़ी को चला के देखते हैं। देख सकते हैं आप ये साइन बना हुआ आ गया है इसमें। अब थोड़ी सी गाड़ी को 4 high में किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है गाड़ी, थोड़ा सा फर्क पड़ता है दोस्तों आपका इस पर। गाड़ी को टर्न भी लेके देखते हैं, यहाँ से हल्की सी पावर फील होती है आपको जैसे आप इसमें 4 high या 4 low लगाते हैं तो, और हल्का सा आपको जो है पुराना वाला फील जरूर आने वाला है इसमें। जैसे कि आप गाड़ी को एकदम से उठाते हैं या सारी चीज़ें करते हैं, रिवर्स में कैमरा वगैरह आप लोग देख सकते हैं इसमें कैसा क्या दे दिया गया है इसमें। स्टीयरिंग आपका हल्का सा हार्ड हो जाता है कभी कभी, ऐसा फील होता है आपको जैसा भी मैं टर्न ले रहा हूँ और हल्का सा आपको वाइब्रेशन फील्स होने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि पहले वाली जिप्सी वगैरह में आते थे उस तरह से थोड़ा सा आपको जो है इसमें फील दिया गया है पूरी गाड़ी। गियर्स वगैरह भी आपके थोड़ी नौची हैं, ऐसा नहीं है जो अपनी मारुति की अदर ब्रांड की गाड़ियाँ आती हैं, जो मारुति की नेक्सा की आपकी ग्रैंड विटारा वगैरह या बैलेनो वगैरह आती है उसकी तरह से गियर्स नहीं है इसके, ओल्ड स्कूल टाइप गियर्स दिए हुए हैं आपको, जो फील आया प्रॉपर ऑफ रोडिंग वाला तो उस तरह से आपको गियर दिए हुए हैं। देख सकते हैं थोड़ा बहुत गियर आपका हिलेगा भी सरी, और थोड़ा सा रफनेस आपको महसूस होगी गाड़ी में जब आप स्टीयरिंग को थोड़ा सा मोड़ेंगे या एकदम से पिकअप लेंगे गाड़ी को, तो वो चीज़ रहने वाली है। और 4 high 4 low और 2H का ऑप्शन, 2 high का ऑप्शन आपको इसमें मिलता है गाड़ी में। जस्ट लाइक थोड़ा सा आप इसको स्टीयरिंग को मोड़ेंगे हल्का सा स्टीयरिंग व्हील सेम पोजीशनिंग में आ जाता है इसका, अब वो वाली चीज़ें इसमें नहीं रहने वाली है। मारुति में जैसे पहले रहता था आपका स्टीयरिंग वापस मुड़ के नहीं आता था, वो चीज़ें पूरी खत्म हो चुकी हैं। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस ठीक है, ऑफ रोडिंग वगैरह का भी एक प्रॉपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे दोस्तों अपन इसका, अभी तो आपको ओवरऑल एक वॉक अराउंड दे रहे हैं कि गाड़ी किस तरह से चल रही है, फर्स्ट इंप्रेशन कैसा लग रहा है गाड़ी का, तो वो सारी चीज़ें बताई है मैंने आपको। बाकी आपको जो है ऑफ रोडिंग का प्रॉपर वीडियो बना के दिखाएंगे इसका, पिकअप वगैरह भी ठीक आ रहा है गाड़ी का, और जो विजिबिलिटी है यहाँ से तो पूरा बोनट आपको भी दिखाई दे रहा है, उसमें भी कोई इशू नहीं आने वाला है। वाइपर वगैरह की बात करें तो वाइपर्स कुछ इस तरह के आपको ओल्ड स्कूल टाइप जिप्सी टाइप में दे दिए गए हैं, ये भी आपको थोड़ा सा इम्प्रूव होने चाहिए थे लगाने में कुछ इस तरह की आपकी गाड़ी। और ब्रेकिंग वगैरह की अगर थोड़ी सी बात करें लगा करके अपन, तो ब्रेकिंग वगैरह भी आपको इसमें ठीक ठाक दे दी गई है दोस्तों। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक फर्स्ट वॉक अराउंड आपको एक अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना शर्मा जी ब्लॉग्स को। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।